ये स्वयं का विषय भी और बहुत श्रेष्ठ दिन भी है। आप देख रहे हैं कि जब जन्माष्टमी आ रही थी तो जन्माष्टमी के एक दिन पहले मतलब जन्माष्टमी को शयन हो गए थे और आज राधाष्टमी का दिन है। संयोग बस जो है आज के दिन हमारा मंदिर के कपाट खुल गए हैं, तो ये संयोग बस ये और सौभाग्यशाली दिन है। आज के दिन हनुमान जी महाराज का हमने विशेष रूप से सुबह से पहले तो महाभिषेक किया गया, जिसमें हर तरह के 5-5 किलो 10-10 किलो घी शहद दूध दही अनेक प्रकार से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का महाभिषेक किया गया। उसके बाद हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया और संध्या के समय में अभी महाआरती कर दी गई है हनुमान। आज इतने दिनों बाद लगभग 15-16 दिन बाद आज फिर से यह मंदिर दर्शन के लिए खुल गया है, और इसके पहले सांकेतिक रूप से यहाँ दर्शन होता था। आज सवेरे से यहाँ पर साफ सफाई के साथ साथ आप देख रहे हैं कि पूजा शुरू हुई, लगभग प्रथम आरती 5 बजे शुरू हुई। आरती के बाद से ही बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन करने आ रहे हैं। संकट मोचन हनुमान जी का, लेटे हनुमान बंधुआ का, और सबकी अपनी मनोकामना है। लोगों की इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हम अपने हनुमान जी के पास पहुँचे, कि इसमें भक्तों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अनवरत रूप से मंगलवार एवं शनिवार को यहाँ दर्शन करने आते हैं। आप लग रहा है हमारे साथ हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ जी, लगातार आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। अच्छा, काफी अच्छा। जैसे मंदिर बंद पड़ा तब से दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो फिलहाल आज घर गोरखपुर जा रहे थे, तो फिर भगवान ने बुला साक्षात बुलाया, तो दर्शन करके फिर अभिषेक पांडे। हम अभिषेक पांडे जी जैसे ही हजारों छात्र भी हैं, ऐसे पारिवारिक लोग हैं, बहुत सी माताएं बहनें भी हैं जो लोग यहाँ अनवर रूप से दर्शन करने आते हैं, और जहाँ कहाँ देखा जाए सबको संकट मोचन हनुमान जी से लगाव है। एक हमारे साथ एक प्रतियोगी छात्र और भी हैं, आप अनवर रूप से हनुमान जी का दर्शन करने आ रहे हैं? जी हाँ सर। अच्छा, सर बीच में हनुमान जी जो थे माँ गंगा की गोद में थे, वो तो है, हम लोग दर्शन करते थे। मिली थी आपको? हम लोग इनका हमसे रहते हैं टच में, इनका जो इंस्टाग्राम बना है तो उस पर आते आते हमेशा इनका देखते रहते हैं हमेशा। हम लोग जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ सब दर्शन करके, ये जो द्वार देख रहे हैं ये द्वार है, यहाँ से उधर से प्रवेश है, यहाँ से निकासी है, दर्शन करके लोग अपने प्रसाद को भी चढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ कुछ छोटे बच्चों के साथ भी लोग आते हैं, और सबकी अपनी मनोकामना है। अगर बात करते हैं तो आप भी यहाँ दर्शन करने आए हैं, पहले अनुमत रूप से आते रहे हैं? हाँ, शुरू से जानकारी हुई कि वहाँ? हाँ, जानकारी हुई कि गंगा जी हट गए थे, दर्शन करने आए। दर्शन करने कहाँ से आ रहे हैं आप? हापामऊ। यहाँ पर कई किलोमीटर से दूर दराज से भी लोग आते हैं, स्थानीय लोग भी आते हैं, और बहुत भारत के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग देखे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं, अगर हम इनसे बात करेंगे, आप भी दर्शन करने आए छोटे बच्चे को लेकर? हाँ, परिवार सहित आए? हाँ हाँ, हमारी फैमिली, हम सब लोग। सब लोग दूर से, कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से सीधे दर्शन करने? नहीं, ये तो सीधे आई, मैं यहाँ रहती हूँ। देख रहे हैं बड़ी बड़ी लोगों की मान्यताएं हैं, आजमगढ़ से यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी हनुमान जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? आज हो गया हमारे को, इतने दिन से बनते आज हम राजस्थान से आए, हम राजस्थान से हमारे पास आए हैं, और दर्शन संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन, और सौ कि आज ही आए हैं और आज ही इनको दर्शन हो गया, और प्रथम दर्शन वो भी माँ गंगा की गोद से अगर कोई नहा के निकला हो और माँ की ममतामयी स्वरूप में हो, तो उनका दर्शन आपने किया। हमें सुबह 4 बजे जाना है और घर से चले थे तो ये पता लगा था, SSP साहब ने हमें बताया कि हनुमान जी जलमग्न हो रहे हैं, लेकिन उसके तब भी हमारा रिजर्वेशन करवा लिया हमने, और हमें पूरी आस्था थी कि हमें हनुमान जी और सारे दर्शन मिलेंगे। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ सुरक्षा भी है, तो अपना परिचय अच्छा है जी। हम जयपुर से हैं, महिपाल सिंह जी DIG, उनकी मिसेज हूँ, ये मेरी सहेलियाँ हैं, प्रशासनिक अमले के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन मनोकामना थी कि हनुमान जी का दर्शन हो, और अहो भाग्य देखिए SSP साहब ने इन्हें बताया कि आज दर्शन संभव है, और ये लोग पहुंच गए बंधुआ, लेटे हनुमान जी का दर्शन भी हो गया, और बहुत अच्छा भी आप लोग, अच्छा लगा हमें तो, बहुत अच्छा लगा। सब दर्शन हो गए, उम्मीद नहीं थी कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन साहब भगवान ने आप हनुमान जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, मतलब बजरंग बली का दर्शन करने के लिए आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, काफ़ी दूर से हैं, लगभग 30 किलोमीटर से। हाँ जी, लगभग अरे हो गया 2-3 घंटे। हाँ जी, हाँ हम साथ में आए हैं, जन्माष्टमी के दिन माँ गंगा आई हैं, हनुमान जी के गोद में ली हैं, आज राधाष्टमी के दिन हम लोगों को दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज भव्य आरती में हम लोग शरीक हुए, हम यहाँ कोढ़ियार बाजार बुधौना ग्राम सभा से आए हुए हैं,
हम लोग हर शनिवार को यहाँ आते हैं, बड़े हनुमान जी का दर्शन करते हैं, बहुत सुख मिलता है।